मुमताज से प्यार, ताजमहल का निर्माण और बेटे औरंगजेब की बगावत समेत आज जानेंगे शाहजहां की जिंदगी के रोचक किस्से। अकबर के बेटे जहांगीर के घर 1592 में खुर्रम का जन्म हुआ, जिन्हें शाहजहां के नाम से जाना गया। खुर्रम शायरी और संगीत के शौकीन थे। 1607 में नए साल के मौके पर मीना बाजार सजा। बाजार में औरतें बेनकाब बैठी थीं, इसलिए मर्दों के जाने की मनाही थी। सिर्फ शहंशाह जहांगीर और सहजादे खुर्रम ही वहां जा सकते थे। बाजार में घूमते हुए खुर्रम ने देखा कि एक लड़की कीमती पत्थरों और रेशम के कपड़ों की दुकान सजाकर बैठी है। शहजादे उसे अपना दिल दे बैठे। कहते हैं शहजादे खुर्रम ने लड़की की दुकान के पास जाकर एक हीरा उठाया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। इस पत्थर की कीमत क्या है? ये हीरा आपको पत्थर नजर आता है, पूरे 10,000 का है। इस पर आपका हाथ लग गया है, इसलिए अब बेशकीमती हो गया। अगली मुलाकात तक मैं इसे दिल के पास रखूंगा। 14 साल की उस लड़की का नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। शहजादे ने ऐलान किया कि उन्हें इस लड़की से निकाह करना है। जब दोनों की शादी हुई तब अर्जुमंद यानी मुमताज 19 साल की थी और खुर्रम यानी शाहजहां की उम्र 20 साल थी। 38 साल की उम्र में राजा बनते ही शाहजहां ने मुमताज को पादशाह बेगम यानी महिला शहंशाह की उपाधि दी। मुमताज को कई ऐसी सुविधाएं दी गईं जो किसी भी दूसरी रानी को नहीं दी गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक दूसरी बेगमों को सालाना 6,00,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन शाहजहां ने मुमताज को 2,00,000 अशरफियों का इनाम और सालाना 10,00,000 रुपए देने की घोषणा की थी। ये पैसे आज के 50 करोड़ रुपए जितने हैं। मुमताज और शाहजहां 19 साल तक साथ रहे। शाहजहां के गद्दी पर बैठने के 4 साल में ही मुमताज का निधन हो गया। 19 सालों में उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें दारा शिकोह, औरंगजेब और जहां आरा का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। मुमताज जंग के समय शाहजहां के साथ जाया करती थी। दक्कन की बगावत के समय भी वह उनके साथ थी। वो गर्भवती थी और अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। 30 घंटे लगातार पीड़ा के बाद 17 जून 1631 को खून बहने से मुमताज की मौत हो गई। उन्हें बुरहानपुर के एक बगीचे में दफना दिया गया। इसके बाद शाहजहां ने 2 साल के शोक का ऐलान किया और खुद एक कमरे में हफ्तों के लिए बंद हो गए। शाहजहां के राजा बनने से पहले ही मुमताज ने उनसे ताजमहल बनवाने और हर साल बरसी के मौके पर मकबरे पर आने का वादा लिया था। शाहजहां ने ताजमहल तो बनवाया, लेकिन दूसरा वादा औरंगजेब की वजह से पूरा ना कर सके। 1632 में मुमताज के शव को आगरा लाया गया और यमुना किनारे दफना दिया गया। बाद में जब ताजमहल बना तो मुमताज की कब्र वहीं बनाई गई। ताजमहल बनने की कहानी भी दिलचस्प है। शाहजहां ने जद्दोजहद के बाद तय किया कि इसे शहर से दूर यमुना के बगल में एक शांत जगह पर बनाया जाएगा। दुनिया भर के 20,000 लोगों ने 20 सालों तक मेहनत कर साल 1653 में इसे तैयार किया। आखिरी दिनों में औरंगजेब ने शाहजहां को किले में कैद कर दिया। उन्होंने 1666 में खिड़की से ताजमहल देखते हुए दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें भी ताजमहल में दफना दिया गया। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे।